हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये अक्टूबर का महीना है और इसमें हम लोग सक्यूलेंट्स लगाते हैं। वैसे तो सक्यूलेंट्स परमानेंट होते हैं, पेरिनियल होते हैं, मगर दिल्ली एनसीआर में जहाँ आपके इलाके में अगर गर्मियाँ होती हैं मई जून में, तब ये सर्वाइव करने थोड़ा मुश्किल होता है, मगर अक्टूबर में इसको आप ईज़िली लगा सकते हैं और खूब नर्सरीज में अवेलेबल है। ये छोटे छोटे कंटेनर्स हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के, ये एक सर्क्यूलेंट हैं और ये एक एक कंटेनर 40-50 रुपीज़ में आपको इजीली नर्सरी में मिल जाता है। ये ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि एक ये ट्रेलिंग वाइन है। जैसे ये दिख रही है आपको, ये ट्रेल करेगी नीचे और कटिंग से भी इजीली इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है। तो चलिए इसके लिए सक्यूलेंट के लिए देखते हैं कौन सा राइट पॉटिंग मिक्स है और कैसे कंटेनर में लगाएं ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे घर में। ये मैंने एक हैंगिंग पॉट इसके लिए लिया है, प्लास्टिक का है, बहुत सारे ड्रेन होल्स हैं ताकि पानी एकदम ना टिके, और इसको लाइट रखने के लिए मैंने कॉटन क्लॉथ इसको कवर किया है। इससे स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई हो रही, वजन भी कम है इसका और ये क्लियर रहेगा ड्रेनेज होल। और इसका जो ये हैंगर्स है, ये फिलहाल मैंने निकाल लिए हैं और जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, प्लांट हैंग करने लायक हो जाएगा, तब इसको लगा दूंगी। अभी इसको मैं थोड़ा शेडेड एरिया में रखूंगी, उसके बाद ब्राइट लाइट में रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पॉटिंग सॉइल देखते हैं। ये सैंड है 50%, 50% गार्डन सॉइल है। इसके अलावा मैंने लिया है, ये बोन मील है, नीम खली है और साथ में इसमें वर्मी कंपोस्ट है। ये वाला मैंने लिया है, ये जो दिख रहे हैं ये खंगर है, इसको सिंडर भी कहते हैं, और ये परलाइट है। ये दोनों का काम है कंटेनर को लाइट करना और एरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ये सिंडर भी एरेटेड रखता है पूरे सॉइल को, और इसमें थोड़े से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ये प्लांट को रूट्स के साथ देता रहता है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है फंगीसाइड। फंगीसाइड अभी भी थोड़ा सा डाल लूँगी मैं, और बाद में जो वाटरिंग करेंगे तो ये फंगीसाइड वाले पानी से करेंगे। सब कुछ इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये सॉइल बहुत लाइट रहेगी क्योंकि हर चीज़ इसमें ऐसी यूज़ की हुई है ताकि पॉटिंग सॉइल लाइट रहे, और इसमें हम लोग भर लेंगे थोड़ा सा, पूरा टॉप तक नहीं भरेंगे, थोड़ा भरेंगे ताकि थोड़ी जगह पॉटिंग के लिए रह जाए। अब इसको हम लोग इसको धीरे से टैप करके निकालेंगे। इसकी रूट बॉल ना डिस्टर्ब हो तो अच्छा है। इसकी रूट पॉटिंग सॉइल मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको डिस्टर्ब करने की एकदम भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक और धीरे से निकालूंगी और तीनों को एक ही में लगाऊंगी। अब इसकी पॉटिंग हो चुकी है और इसको वेवेस्टीन या फंगीसाइड के पानी से थोड़ा वाटर कर देंगे, और नेक्स्ट वाटरिंग तभी करूंगी स्प्रे बॉटल से ही जब टॉप लेयर ड्राई हो जाएगा। और हर बार इसको ये फंगीसाइड का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डाल दिया महीने में वो एनफ है। ये सक्यूलेंट है, पानी का बहुत ध्यान रखना है, वाटरिंग तभी करनी है जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए, और फर्टिलाइज बहुत ज़्यादा करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फर्टिलाइज़र डाला है वो एनफ रहेगा कई महीनों के लिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लगाए हुए 15 डेज हो चुके हैं और इनमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, चारों तरफ से सब प्लांट्स लग चुके हैं और इनमें ग्रोथ भी शुरू हो गई है।
ये बास्केट बहुत ही प्यारी लगने लगी है। आप भी ज़रूर ये सर्क्यूलेंट लेके आएं, और इसमें बस पानी का ध्यान रखना है मेन, कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी लगाया है इसके लिए, ये इनफ फर्टिलाइज़र है, ये ज़्यादा हाई फीडर है भी नहीं। बस इसको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाना है और ब्राइट लाइट में रखना है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रोथ होती रहे। आई होप आपको ये वीडियो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।